हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप देखिए फ्रेंड, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लेकर आई हूँ। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे की बात करेंगे। तो आपको टू के मल्टीपल फंदे लेने, यानी दो के घुड़े के हिसाब से आपको फंदे लेने हैं। कोई भी फंदा आपको एक्स्ट्रा नहीं रखना है। तो आप जितना भी प्रोजेक्ट पे रखना चाहते हैं, दो के घुड़े के हिसाब से आपने फंदे डाल लेने हैं। और डिजाइन जो हमारी बनेगी, ये देखिए बैक साइड से बनना स्टार्ट होगा, यानी पीछे की साइड से ये डिजाइन हमारा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड यानी आगे की साइड से हमने यहाँ पे 20 फंदे लेने के बाद हमने देखिए एक लाइन हमने उल्टा उल्टा बना के, आप चाहें तो सीधा सीधा, चाहें तो उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लें। फिर हम आ गए बैक साइड। अब हमारे यहाँ से डिजाइन बनेगी। तो पहले फंदे को तो हम एज स्टिच उतार देंगे, ऐसे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो फंदे हैं, देखिए बहुत ज्यादा ब्राइटनेस। अब यहाँ पे देखिए दो फंदे हैं, पहले हम पीछे वाले फंदे को बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, उल्टा आगे वाले फंदे को अभी हमने नहीं बुना है। तो एक बार हम सलाई के ऊपर लपेटेंगे और फिर हम ये आगे वाले फंदे को बुन देंगे। अब इन दोनों फंदे को साथ में ऐसे ड्रॉप गिरा देंगे। फिर से देखिए यहाँ पे दो फंदे हैं, पीछे वाले फंदे को हम पहले बनाएंगे। ऐसे ये उल्टे साइड से उल्टा उल्टा सभी फंदे को बुन रहे हैं। धागे को एक बार लपेटेंगे सलाई के ऊपर, फिर आगे वाले फंदे को बनाएंगे। यहाँ पे दो फंदे लिया, पहले हम पीछे वाले फंदे को बनाएंगे उल्टा। अब देखिए इस फंदे को अभी हमने गिराना नहीं है, फिर हम आगे वाले फंदे को बुनाएंगे। एक बार लपेटते हुए फिर हम फंदे को बुनेंगे। ऐसे ही ये हमारी पहली रो कंप्लीट होगी। फिर लपेटा एक बार, अब हम आगे वाले फंदे, यहाँ पे दो फंदे लिया, पहले हम पीछे वाले फंदे पे बुनेंगे, फिर लपेटेंगे सलाई के ऊपर, फिर ये हम आगे वाला फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने नॉर्मल बेबी वूल लिया है, 10 नंबर की सलाई यूज की है। फर्स्ट रो हमारी डिजाइन की ऐसी ही कंप्लीट होगी, दो सलाइयों की सिर्फ डिजाइन है। ये देखिए लास्ट में हमने एक फंदा बुना, फिर एक बार लपेटेंगे, फिर आगे वाले फंदे को बनाएंगे। अब यहाँ पे एक फंदा और बनाएंगे, लास्ट एज स्टिच का फंदा हमारा। अब आ गए हम सीधे की साइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा, पहले फंदे को तो हमने एज स्टिच उतार लेना है, ठीक। ये देखिए हमने उतार लिया, धागे को अपनी साइड लाएंगे। यहाँ पे देखिए तीन फंदे हमारे हो गए हैं, क्योंकि एक बार हम लपेट के फंदे बनाए थे, तो दो से हमारे यहाँ पे तीन फंदे हो गए हैं। तो हम धागे को आगे लाएंगे, तीन फंदे में से पहले फंदे को हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, फिर हम धागे को पीछे ले जाएंगे। इन दोनों फंदे को हम देखिए ऐसे ही, ये देखिए ऐसे सीधा बना देंगे, दो का एक कर देंगे। फिर से धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे दो फंदे का एक करेंगे। फिर से धागे को अपनी साइड, एक फंदा यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे दो फंदे का एक करेंगे। धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा पीछे ले गए, दो फंदे सीधे, दो का एक किया। धागे को अपनी साइड, देखिए जब आप बनाएंगे तो आप लोग को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये देखिए तीन तीन फंदे एक साथ दिखेंगे। तो तीन में से जो पहला फंदा है उसको आपको उल्टा बनाना है, फिर धागे को पीछे ले जाके दो फंदे जो एक साथ है उनको हम सीधा बनाएंगे, दो का एक कर देंगे। फिर से धागे को अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे धागे को पीछे ले जाके दो का एक कर देंगे। धागे को अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे ले गए, दो फंदे का एक किया। एज स्टिच का फंदा, सीधे की साइड से हमेशा सीधा और उल्टे की साइड से उल्टा। तो हमारे यहाँ पे भी ये दो लाइन की डिजाइन बनी है। फिर से देखिए अब हम पहले फंदे को उतारेंगे। एक बार और आप लोग डिजाइन रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पे दो फंदे हैं, पहले फंदे को हम, अरे सॉरी, पीछे वाले फंदे को हम पहले बनाएंगे, फिर सलाई के ऊपर लपेटेंगे और आगे वाले फंदे को बनाएंगे, दोनों फंदे को साथ में गिरा देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए दो फंदे हैं, पीछे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे, फिर धागे को लपेटेंगे, अब आगे वाले फंदे को हम बुनेंगे। ये देखिए धागा लपेटेंगे और फिर ये आगे वाले फंदे को बनाएंगे। फिर से धागे को लपेटा,
ये वाले फंदे को भी देखिए, पीछे वाला फंदा बुना, फिर लपेटा, फिर हम ये आगे वाला फंदा बनाएंगे। फंदे को हमने ऐसे स्टिच वाले को उल्टा बना लेना है। फिर से आ गए हम, देखिए आगे की साइड कि हमारी डिजाइन कुछ ऐसे भी बन के आ रही है। देखिए तो हमारी डिजाइन ये बनना शुरू हो गया। अब देखिए, फिर से पहले फंदे को एज स्टिच को तो हम ऐसे उतार लेंगे, धागे को अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे दो फंदे का एक करेंगे ऐसे, धागे को अपनी साइड, तीन में से देखिए यहाँ पे तीन फंदे है ना, तो पहले फंदे को आपको उल्टा बनाना है, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, दो फंदे को एक साइड, धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, दो फंदे का एक करेंगे, क्योंकि हमारा जो हम फंदे लपेट के बनाते हैं तो हमारे फंदे बढ़ जाते हैं। धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, दो का एक, धागे को पीछे ले जाएंगे, फिर से यहाँ पे हम दो फंदे का एक कर देंगे। इस डिजाइन से आप बॉर्डर बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर पे भी डाल सकते हैं, छोटे बच्चों के स्वेटर पे अपने लिए कार्डिगन भी बना सकते हैं। धागे को पीछे ले जाएंगे, दो फंदे का एक, फिर धागे ये एज स्टिच का फंदा है तो इसको हम सीधा बना देंगे। तो देखिए, दो फंदों की डिजाइन है, सिर्फ दो दो लाइन की डिजाइन भी है, ये बहुत ही प्यारा लगता है, इससे आप बॉर्डर भी बना सकते हैं। जिगजैग डिजाइन पूरी बन के आएगी, जैसे आप लोग को थंबनेल पे दिख रहा है सेम वही बनेगा। बैक साइड से फिर से आपको वही करना है, डिजाइन वही आपको बार बार रिपीट करनी है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को आप लोग ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।